स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स तो उसी से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मजदीद क्लियर हो सके तो प्रॉब्लम क्या है वो ये है वह स्टोरेज बैटरी हुज ई एम एफ इज ट्वेल्व फोल्स एंड रेजिस्टेंस इज पॉइंट टू ओम इज सेट टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ ट्वेंटी एम्पेयर ठीक है हमारे पास एक चार्जेबल बैटरी है जिसको चार्ज किया जा रहा है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी एम्पेयर यानी कि एक टाइम में इतना जो करंट है 20 एमपेयर उसमें से पास हो रहा है और उसकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी कि अगर वो बैटरी किसी भी करंट डिवाइस के साथ लगाई जाए तो उस करंट डिवाइस में से, में से, कोई भी काम करने के लिए या उस करंट डिवाइस के अंदर कितना पोटेंशियल ये वाली बैटरी जनरेट कर सकती है वो है ट्वेल्व वोल्ट्स और इस बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो कितनी है पॉइंट टू ओम तो आगे हमें कहा क्या गया है कि हमने फाइंड क्या करना है वट अप्लाइड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड यानी कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसका कितना वोल्टेज होना चाहिए यानी कि उस, उसको कितना काम करना पड़ेगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए तो आए हम अपना डाटा लिख लेते हैं ठीक है कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है क्या क्या क्वांटिटीज दी गई हैं तो हमें सबसे पहले बताया गया है कि जो ई एम एफ है ठीक है इस बैटरी का वो कितना है वो है ट्वेल्व वोल्ट्स ठीक है और साथ ही हमें कहा गया है कि जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास पॉइंट टू ओम और साथ ही में ये बताया गया है जो इसके अंदर करंट जो पास किया जा रहा है वो कितना है वो है ट्वेंटी एम ठीक है यानी कि जो गिवन टाइम है उसमें कितना हमारे पास करंट उसमें से पास किया जा रहा है तो हमें फाइंड क्या करना है कि जो सोर्स है जिसके थ्रू हम इस बैटरी को चार्ज हैं उसका वोल्टेज हमारे पास कितना है ठीक है तो इस तरह कहते हैं अपना जो सोल्यूशन है अब वो स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेजन मौजूद है v इक्वल टू ई प्लस आई आर जहां पे v जो है वो वोल्टेज को शो कर रहा है e ई एम एफ को शो कर रहा है i करंट को और r इंटरनल रेजिस्टेंस को तो वैल्यूज डालते हैं e के हमारे है, volts, की हमारे पास वैल्यू है 12 वोल्ट्स ठीक है प्लस करंट की हमारे पास वैल्यू है 20 एमपेयर और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो है ओम ठीक है तो यहां से जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आती है ट्वेल्व वोल्ट प्लस फोर एम्पेयर इन टू ओम ठीक है अब देखें सबसे बे, बेस्ट होता है कि जो हमारे यूनिट्स हैं उनका हम बैलेंस आउट कर लें ताकि अगर कोई भी एरर हमसे हो गया है कोई भी मिस्टेक हो गया है तो हमें पता चल जाती है अब यहाँ पे देखें अ, मेरे पास एम्पेयर और ओम है ठीक है और यहाँ से जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है उसका जो हमारे पास यूनिट है वो वोल्टेज आना चाहिए तो पहला जो हमारे पास यूनिट है वो ट्वेल्व वोल्टस ही है जो दूसरा है वो हमारे पास है एम्पेयर और ओम ठीक है तो यहाँ से हम जैसे कि जानते हैं जो हमारे पास करंट होता है ठीक है वो किसके इक्वल होता है वो होता है हमारे पास वी डिवाइडेड बाय आर ठीक है किसी भी पॉइंट uh, से जितना करंट पास हो रहा है वो इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर ठीक है यानी कि एक करंट से करंट आए एक वायर से एक करंट गुजर रहा है तो उसके दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल है यानी कि जितना काम करना पड़ रहा है उसे हम कहते हैं कि वो पोटेंशियल है और इस वायर के अंदर जितनी रेजिस्टेंस है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास हो रहे हैं उनको दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितनी रेजिस्टेंस हो रही है उनसे कोलिजन की वजह से उसे हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वन एम्पेयर ओम जो है वो इक्वल होगा वन वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम के यानी कि वोल्ट इक्वल हो गया एम्पेयर और ओम के तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दे, देखें जैसे एम्पेयर और ओम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है वोल्ट के तो हमारे पास इक्वल हो गया ट्वेल्व वोल्ट प्लस फोर वोल्ट ठीक है दैट मीन्स हमने कोई एरर नहीं किया अपनी कैलकुलेशन में तो मेरे पास जो टोटल वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है सिक्सटीन वोल्ट ठीक है यानी कि जो एक्सटर्नल हमारे पास सोस है उसका जो वोल्टेज है वो इतना होना चाहिए 16 वोल्ट तभी जो वो स्टोरेज uh, बैटरी हमारे पास है उसको चार्ज किया जा सकेगा तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा